जी फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे ट्राइसेप का वर्कआउट, जिससे आपका जो है ट्राइसेप कटिंग में भी नज़र आएगा और जो शेप में भी नज़र आएगा वो बहुत बड़ा नज़र आएगा। आपको जो है महीने में हफ्ते में जो है 2 बार अप्लाई करना है अपने बाइसेप और ट्राइसेप को एक साथ ही परफॉर्म करना है। तो वो मैं जो जिस बाइसेप के साथ आपको लगाना है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूँगा, ताकि आप जो इस वर्कआउट के साथ अपना ये ट्राइसेप का वर्कआउट करो। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है ट्राइसेप बहुत ईजी और जो है बहुत अच्छे फॉर्म में होगा। मैं आपको हर चीज़ बताऊँगा आपने कैसे इसको परफॉर्म करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम करेंगे बाइसेप का रोड, जो इजेड बार होती है हमें उससे स्टार्ट करना है, लेकिन इंक्लाइन बेंच पर। तो आपको जो ये सर के ऊपर लाना है, यहाँ पर नहीं लाना, सर के ऊपर लाना है। इसके हम 4 सेट लगाएंगे हैवी वेट से। शुरू के जो 2 रेपिटेशन होंगे, 2 वेट का जो हम लगाएंगे पहला और दूसरा सेट, तो वो हमारा लाइट होना चाहिए, या तो 20 होना चाहिए या तो 15, दोनों सेट का एक ही वेट होना चाहिए। फिर तो उसके बाद हमें 8 और 6 रेपिटेशन निकालने, या तो 10 और 8 रेपिटेशन निकालने हैं। तीसरे गाइड उसके बाद हमारा जो तीसरा एक्सरसाइज है वो होना है रोप से, जैसे वीडियो में आपको नज़र आ रहा है सेम इसी तरह, लेकिन आपकी कोनिया ना पीछे हो ना आगे हो, सिर्फ आपके जो है ये हाथ जो है एल्बोज आपके हिले और जो है रोप से परफॉर्म करना है। ये भी हैवी से होगा, इसके अंदर आएंगे 4 सेट एक ही रेपिटेशन होगा इसका, 15-15 के 4 सेट। ठीक है गाइस, तो ये भी आपने इसी तरह लगाना है, सेम आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा। और फिर तीसरा भी हमारा होगा रोप से, तो रोप जो है हमें जब इसका हमें जो है 3 सेट लगाने हैं, लेकिन इसका हम रेपिटेशन बढ़ाते रहेंगे, 12, 10 और 8 रेपिटेशन होंगे। ठीक है गाइस, तो इसके भी हमें 3 सेट ही लगाने, 12, 10, 8 रेपिटेशन। रोप से नहीं लगाना, रोप से लगाना है। ठीक है, और उसके तो बाद ट्राइसेप की जो है ये जो हम क्लोज ग्रिप लगाते हैं, इसमें हमारे जो है चेस्ट पर भी जोर आता है और ट्राइसेप, क्योंकि ज़्यादा ट्राइसेप पर लोड आए तो इस वजह से हम इजेड बार लेंगे और यहीं से जो है क्लोज पोजिशन में हम इसको जो है ग्रिप से पकड़ेंगे, ताकि हमारे बाइसेप पर ट्राइसेप पर लोड आए। तो जो है इसके हम लगाएंगे 4 सेट, इसके हम रेपिटेशन इस पर हम जो है हैवी वेट लेंगे और 12, 10, 8 या तो 10, 8, 6 रेपिटेशन होने चाहिए गाइस इसके। तो उसके बाद हम लगाएंगे ये ट्राइसेप डिप्स, तो इसका हमें जो है ख्याल रखना है 16, 16 या तो 20, 20 के रेपिटेशन लगाने 3। ठीक है गाइस, और बिल्कुल इसी तरह या तो अगर सामने स्टूल हो तो उसके ऊपर आप पाँव रख सकते हो, नहीं तो इसी ज़मीन पर रखकर आप अपने लेग्स को जो है ना अपने थाई से बिल्कुल फ्लेट कर देना सीधा ज़मीन के हिसाब से। तो आपने जो है बिल्कुल ऐसा एक बालिश जो होता है ना, यानी एक 6 से 7 इंच जो है आपने दूर रखना है अपने हाथों को, और जो है आपने परफॉर्म करना बिल्कुल ऊपर आके स्क्वीज करना है, 1 या 2 सेकंड आपने रोकना है, उसके बाद नीचे जाकर फौरन ऊपर करना है, अपने ट्राइसेप को टाइट करना है, ताकि आपको लोड है प्रेशर आए। तो गाइस ये थे हमारी आज की ट्राइसेप की वर्कआउट, जो लिंक मैं आपको दूंगा उसी बाइसेप के साथ अप्लाई करना, आपको 1 महीने में बहुत ज़्यादा जो है रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब हासिल करें, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ ऐसे ही बनाता रहूँगा वर्कआउट की, बस आप मुझे सपोर्ट करें और जो है इस वर्कआउट को अपने रूटीन में अप्लाई करें। अगर बिगिनर्स है तो उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, और जो एडवांस है उनको जो है थोड़ा स्लो रिजल्ट आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। एडवांस के लिए ये कम हुआ कि वो जो है ज़्यादा रेपिटेशन कम कर दो, हैवी वेट से ज़्यादा लगाएं, जो एडवांस और जो बिगिनर्स है वो जो है लाइट वेट से इसको अप्लाई करें, या तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट।